की करते हैं। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर खास नजारा दिखा है। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। कई जगहों पर आला अधिकारियों ने गश्ती की है, नजर बनाए हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। रंग बिरंगी लाइटों में, तिरंगी लाइटों में सजा हुआ लाल किला, हिंदुस्तान का दम। कई जगहों पर आला अधिकारियों ने गश्ती की है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज का दिन बेहद खास, 74वां गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था और भारत गणतंत्र बना था। इसी दिन अंग्रेजों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। देश का संविधान, आपको बताएं कि 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करने की एक खास वजह थी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस पर जमीन से लेकर आसमान तक भारत सामरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जमीन से लेकर आसमान तक भारत सामरिक सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको परिचय कराते हैं तीनों ही सेनाओं की रीढ़ की हड्डी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से। नॉर्दर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, दोनों ही बॉर्डर पर इसकी तैनाती है। भारत में ही बना आकाश मिसाइल सिस्टम भी दुश्मनों के खिलाफ सीना तान कर खड़ा है। बेहद सटीक निशाना दरअसल दुश्मन पर साधने में ये सबसे सक्षम मिसाइल में से एक है। अब बात गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले नाग मिसाइल की करेंगे। ये जो प्रहार करता है उस प्रहार से दुश्मन का बच पाना मुश्किल होता है। एलएसी पर तैनात K9 वृद्ध चीन के लिए दहशत का पर्याय है। इसकी खासियत से हम आपको रूबरू कराते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा गन सिस्टम है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड है। तीन गन के बराबर एक फायर इसका काम करता है। अत्याधुनिक क्षमता से लैस यह टैंक पूर्णतः स्वदेशी है। अर्जुन मार्क 1 से हम आपका परिचय कराते हैं। इस टैंक की अगर हम बात करें तो इसे हंटर किलर कहा जाता है। वाघा बॉर्डर पर भी 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर खास आयोजन देखने को मिला। रिपब्लिक डे से पहले देश में दिवाली जैसा माहौल है। रोशनी से नहाए प्रमुख इमारतें नजर आ रहे हैं। लखनऊ की बात की जाए वहां पर विधानसभा पर अद्भुत नजारा दिखा है। गणतंत्र दिवस के स्वागत के लिए राजपथ भी तैयार है। देखिए राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, विधानसभा की तस्वीर। तिरंगी लाइटों से नहाया हुआ राजधानी लखनऊ का विधानसभा नजर आ रहा है। और अविनाश आज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, रिपब्लिक डे से पहले देश में दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए या दूसरी जगह की बात की जाए, जो सरकारी इमारतें हों या फिर प्रमुख इमारतें हों, सभी तिरंगी लाइटों से जगमग नजर आ रहे हैं। लखनऊ में किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी काफी खास तैयारी है गणतंत्र दिवस को लेकर। हालांकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अगर हम विधानसभा मार्ग की बात करें तो उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बहुत ही खास वहां पर लाइटिंग की गई है, चाहे हम लोग भवन की बात करें, विधान भवन की बात करें या जो यहां के प्रमुख सरकारी इमारत है उनकी बात करें, खासतौर पर जो शासन की इमारतें हैं। लेकिन चूंकि आज सुबह 10 बजे गणतंत्र दिवस का परेड होगा और इसमें तमाम जो राज्य के जो पुलिस बल के जवान हैं और जो सुरक्षा बल के जवान हैं, चूंकि उनकी टुकड़ियां वहां पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होती हैं। इसके अलावा जो लखनऊ के प्रमुख कई ऐसे संस्थान हैं, तमाम ऐसे स्कूल हैं, उन स्कूलों के जो बच्चे होते हैं वो भी इस परेड में शामिल होते हैं। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ में प्रदेश के तमाम जो मंत्री रहेंगे वो मौजूद रहेंगे, जो सरकार के अधिकारी रहेंगे वो मौजूद रहेंगे, और साथ में देखा जाए तो
चूंकि सेना से जुड़े हुए जो तमाम रक्षा उपकरण हैं, खासतौर पर अगर हम तोपों की बात करें तो उनका भी यहां पर प्रदर्शन किया जाता है विधानसभा मार्ग पर। और हालांकि इस बार देखा जाए तो इस बार कुछ अलग झांकियां भी यहां पर देखने को मिलेगी, कुछ खास सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारी की गई है। हालांकि फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया कल, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कल भी पहुंचे थे, लेकिन आज चूंकि खास मौका है, 74वां गणतंत्र है और इस गणतंत्र को खास बनाने के लिए यूपी सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। बिल्कुल अविनाश, और इस मौके पर यह भी बात है कि पद्म विभूषण जो है वो दिया जाएगा और इसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम है। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को इस बार पद्म विभूषण के लिए चिन्हित किया गया है और ये देखा जाए तो एक बड़ा सम्मान होता है पूरे देश में। और मुलायम सिंह यादव के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ और भी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको कि ये सम्मान मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम पद्मश्री की बात करें या जो दूसरे राजकीय सम्मान होते हैं, और अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बोले तो चाहे यहाँ पर डीजी पदक होता है जो पुलिस बल को दिया जाता है या फिर जो पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है, तो इस श्रेणी में भी तमाम पुलिस अधिकारी को, पुलिस के जवानों को चिन्हित किया गया है, जिसे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। देखा जाए तो देखिए ये एक परंपरा है कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज में अच्छा काम किया, उत्कृष्ट काम किया, समाज को एक नई गति, एक नई दिशा देने का काम किया, तो उनको सरकार सम्मानित करने का काम करती है और ऐसे लोगों को खासतौर पर चिन्हित किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो आज का दिन वो मौका होता है जब ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानित किया जाता है। और आज भी चाहे हम पद्म श्री की बात करें, पद्म भूषण की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा दी जाने वाले तमाम सम्मानों की बात करें, तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आज भी ये सम्मान मिलने वाला है। बिल्कुल अविनाश, आज अगर झांकियों की बात की जाए, कार्यक्रम की बात की जाए, कौन कौन सी झांकियां देखने को मिलेंगी और कितने बजे से जो ये कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए ठीक 10 बजे विधानसभा मार्ग पर ये जो पूरा कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा, यानी कि जो गणतंत्र दिवस का परेड है वो शुरू होगा। पहले ध्वजारोहण किया जाता है और ध्वजारोहण के बाद जो गणतंत्र दिवस का परेड होता है वो शुरू हो जाता है। देखिए अगर झांकियों की बात करें और परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियों की बात करें, तो इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के जो पुलिस बल के जवान होते हैं, चाहे हम यूपीपी की बात करें, पीएससी की बात करें, फायर सर्विस की बात करें, यूपी एसटीएफ की बात करें, यूपी एटीएस की बात करें, या फिर जो दूसरे बटालियन है, पीएससी हो गई, तो ऐसे तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनकी टुकड़ियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर लखनऊ के जो बड़े स्कूल हैं, उन स्कूलों के बच्चों को भी आज की परेड में शामिल होने का मौका मिलता है, और साथ में अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी पेश किए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा तैयार किए गए जो झांकी, जो झांकियां होती हैं, उन झांकियों की भी यहाँ पर विधानसभा मार्ग पर प्रदर्शनी की जाती है। और हालांकि कई बार से देखा जा रहा है कि राम मंदिर के मॉडल को भी प्रदर्शित किया जाता रहा है, तो इस बार कुछ खास देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर इस परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आज मौजूद रहेंगे। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को बधाई दी है। प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तर प्रदेश की सभी 8 विभूतियों का हृदय से अभिनंदन, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। आगे वो लिखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आप सभी के उत्कृष्ट योगदान ने प्रदेश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गौरव भूषित किया है। लक्ष्य के प्रति आप सभी का समर्पण अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर जगह सजावट की गई है। शहर शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हो रहे हैं। तिरंगे के रंग में सरकारी या फिर ऐतिहासिक इमारतें जो हैं वो चमकती हुई नजर आ रही हैं, चमक रही हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। जोधपुर, श्रीनगर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का रंग अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर ये रंगों का जो नया प्रयोग किया गया है उसे आप देख सकते हैं, किस तरीके से राजधानी लखनऊ के इस विधानसभा को अलग अलग रंगों का एक नया पैटर्न दिया गया है, एक नई व्यवस्था की गई है। 26 जनवरी की सवेरे सारे कार्यक्रम इसी मुख्य सड़क पर होंगे। मुख्यमंत्री के सहित उनके कैबिनेट के सभी मंत्री होंगे।
ध्वजारोहण होगा और परेड होगी, उसके साथ स्कूली बच्चों का कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और रंगारंग कार्यक्रम, एक डेढ़ घंटे का ये कार्यक्रम होगा। लेकिन इस पूर्व संध्या पर हम आपको एक और चीज दिखा रहे हैं, ये लोक भवन है, ये मुख्यमंत्री का कार्यालय है। ये पहली बार इस पूर्व संध्या पर आपको ऐसी रंगीन और बेहद खूबसूरत नजारे के साथ ये लोक भवन दिख रहा है। ये लोक भवन भी अपने आप में इस 26 जनवरी का मुख्य आकर्षण बन गया है। वैसे तो 26 जनवरी की इस पूर्व संध्या पर विधानसभा और लोक भवन को तो एक अलग रंग में यहाँ सजाया ही गया है। समूची राजधानी के सड़कों को, चौराहों को तिरंगे में सजाया गया है, जो देखने लायक है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।